तो स्टूडेंट्स, फाइनली यूपी बोर्ड ने कक्षा 10 व कक्षा 12 के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए नया एग्जाम डेट शीट जो है वह जारी कर दिया है। तो यदि आप कक्षा 12 साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं तो आई बटन पर जो मैंने वीडियो दिया है वहां पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तारीख को आपका किस विषय का एग्ज़ाम है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 12 8 साइंस के विद्यार्थियों को स्पष्ट करने वाला हूँ कि उनका किस तारीख को किस विषय का एग्ज़ाम है। तो अगर आप साइंस वर्ग के हैं तो आई बटन पे दिए हुए वीडियो को वॉच कर लीजिए, आप भी आसानी से जान सकते हैं कि आपका किस विषय का एग्ज़ाम किस तारीख को है। तो इस वीडियो में स्पेशली कक्षा 12 8 साइंस के विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट करने वाला हूं कि किस तारीख को उनका किस विषय का एग्ज़ाम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है डेट, डेट टाइम और सब्जेक्ट। तो किस तारीख को, किस दिन और किस समय पर किस विषय का एग्ज़ाम है कक्षा 12 8 साइंस के विद्यार्थियों का, तो मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 8 मई से उनका जो एग्ज़ाम है वो प्रारंभ हो रहा है। दिन शनिवार है और समय जो आपको पता ही है कि 2 बजे से स्टार्ट होगा पेपर, 5:15 पर समाप्त होगा और आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद 11 मई को दिन मंगलवार को वही समय सेम वही है, आपका भूगोल का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद 12 मई को दिन बुधवार है, उसी समय को आपका गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। और इसके बाद 18 मई को थोड़ा सा गैपिंग आपको देखने को मिल रहा है, 18 मई को दिन मंगलवार को आपको जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देना है, समय सेम वही है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी गैपिंग देखने को मिल रहा है, चाहे वह साइंस वर्ग का हो चाहे तो आर्ट साइंस वर्ग का हो। तो अगर आप साइंस वर्ग का देखना चाहते हैं एग्ज़ाम डेट शीट तो आई बटन पर जो मैंने वीडियो दिया हुआ है उसे आप ज़रूर वॉच कर लें। इसके बाद आपका 20 मई दिन बृहस्पतिवार को आपका इतिहास का क्वेश्चन पेपर है, समय सेम वही है। इसके बाद आपका 22 मई को दिन शनिवार को मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का जो है क्वेश्चन पेपर है, समय चेंज है, आपका 8 बजे एग्ज़ाम जो है वो प्रारंभ होगा और 11:15 पर एग्ज़ाम जो है आपका समाप्त होगा। तो यहाँ पर टाइम को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका यह सुबह का टर्न हो गया है, ठीक है। इसके बाद 24 मई दिन सोमवार को आपका समाजशास्त्र का क्वेश्चन पेपर है, समय जो है वह सेम वही है, आपका 2:02 स्टार्ट होगा क्वेश्चन पेपर और 5:15 पे समाप्त होगा, ठीक है। इसके बाद आपका 25 मई को दिन मंगलवार को आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर है, समय सेम वही है, 2 बजे प्रारंभ होगा और 5:15 पे आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त होगा। इसके बाद आपका 27 मई दिन बृहस्पतिवार को आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है, समय आपका वही है, 2 बजे प्रारंभ होगा क्वेश्चन पेपर और 5:15 पे समाप्त होगा। और आपका 28 मई दिन शुक्रवार को आपका नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है, समय है आपका 2 बजे प्रारंभ होगा, 5:15 पे समाप्त होगा। तो आपका यह था यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कक्षा 12 आर्ट साइंस के विद्यार्थियों के लिए समय सारणी अर्थात टाइम टेबल। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तारीख को आपका किस विषय का एग्ज़ाम है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।